हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। बिट से 2021 4 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है। स्टूडेंट का जो रिएक्शन है, उनके जो रिव्यू हैं, वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। अपन यहां पर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं 4 अगस्त शिफ्ट 1 बिट सेट 2021 के पेपर का। जो स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप जानते हो यार कि बिट सेट का अभी तक का जो पेपर हुआ है, 3 अगस्त को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उनका जो पेपर का लेवल रहा है वो लगभग इजी टू मॉडरेट रहा है। इसी तरीके का पेपर आप यहां पर देख सकते हैं 4 अगस्त शिफ्ट 1 में। पेपर के लेवल में कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं देखे गए हैं, सिमिलर पेपर का लेवल रहा है, डिफिकल्टी लेवल लगभग सिमिलर रहा है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज जो बच्चों को डिफिकल्ट लगा है वो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो सबको सरल लगती है, ज़्यादातर बच्चों से वो सॉल्व हो जाती है यार। लेकिन मैथमेटिक्स के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पर बच्चा अटक जाता है यार। और नॉर्मल सी बात है कि आपका मेन सब्जेक्ट है तो थोड़ा डिफिकल्ट आना तो बनता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में कई सारे जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली पूछे हुए हैं यार। और आपके केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बताया जा रहा है यार। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम होते हैं यार, जल्दी से बन जाते हैं और उनमें थोड़ी सी रफ्तार चाहिए होती है। और आप जानते हो कि बिट सेट में थोड़े से ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा ही हो जाता है यार। तो ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। जैसा पहला पेपर का लेवल आया था उसी तरीके से यहां पर देखा गया है, कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं देखे गए हैं। जिन बच्चों का आज पेपर है हुआ है भाई, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए पेपर का लेवल कैसा रहा है, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करें जिससे कि यार और सारे बच्चों का थोड़ा सा फायदा हो सके। ऑल द बेस्ट गाइस।